यूपी के बिजनौर में नई नवेली गर्भवती दुल्हन को दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी की हत्या कर डाली। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कफन में लिपटी यह लाश कनीज नाम की महिला की है, जिसके एक साल पहले आलम नाम के युवक से शादी हुई थी। मृतक के परिजनों की माने तो आलम आए दिन दहेज की मांग कर प्रताड़ित करता था। मांग पूरी न होने पर आलम ने कनीज का गला घोटकर शव को पंखे पर लटका दिया, ताकि लोग समझे कि कनीज ने आत्महत्या की है। कोतवाली देहात में एक महिला की ससुराल में हत्या कर दिया क्या? कल देर रात ये प्रकरण आया है, जिसमें अमरोहा जिले की रहने वाली एक युवती, जिसकी शादी समसपुर नहटौर थाने में जनपद बिजनौर में हुई थी, और कल इसकी लाश जो है इसके घर में ही फंदे से लटकते हुए मिली है। परिजनों का आरोप है कि उसके ससुरालियों ने इसको पहले मार दिया, उसके बाद लटका दिया है, जबकि और पूछताछ से ये पता चला है कि शायद स्वयं लटक गई है इसी बात को लेकर। चूँकि अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। परिजनों की तहरीर पर दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और गुण दोष के आधार पर इसमें निशान का विस्तार किया गया। क्या जांच लगा महिला गर्भवती? ये बात अब पीएम रिपोर्ट से मीठी बात है, गरीब फंसा के मुझे कर दिया मेरी तो मैंने। क्या नाम था आपकी बच्ची का? कनीज पिज्जा उर्फ सोहा। कितने दिन हो गए शादी के? एज कल एक साल हुआ है, पूरा एक साल हो गया कल। तो आपको क्या लगता है इन ससुराल वालों ने उनके साथ मतलब? कल भी दरोगा साहब ने चेक किया, उन्होंने बता दिया ये वो नहीं है, फांसी नहीं है, ये गला घोटा गया उसका। अच्छा। गला घोटा गया है, फुल निशान थे गले पे, उसके पैरों पे भी निशान है। तो क्या उन्होंने दहेज के लिए ऐसा काम किया है? दहेज के लिए तो कहते थे गाड़ी ना है, गाड़ी ला के दे। मैंने 20,000 एक दिए, उसे 50,000 एक दिए, फिर जोड़े से पहले एक दिए, सलामी में भी मैंने 35-40 हजार रुपए दिए उसे, कहा तक बढ़ती जाऊँ, अभी फिर 5,000 रुपए फिर शुभ रात पे दिए मैंने, अभी उससे पहले 20,000। अब आप क्या चाहते हो? हाँ, क्या मांगे आपकी? बस मैं तो अपनी बच्ची का बदला चाहूँ, जैसे उसके साथ हुआ ऐसे ही हो, खत्म ही हो जाए उसके सारे ससुराल वाले। अभी तक बॉडी भी नहीं मिली है आपको? नहीं, अभी ना मिली, बैठे यहीं बैठे। कब आए थे आप लोग यहाँ अस्पताल में? हम कल आए थे, कल शाम।